देखिए, वो कहते हैं ना कि रिकॉर्ड्स बनते हैं टूटने के लिए, तो एक और रिकॉर्ड टूटने वाला है। वो टूटने वाला है अयोध्या नगरी में, राम की नगरी में ये रिकॉर्ड आपको टूटता हुआ दिखाई देगा आपसे थोड़ी ही देर के बाद। अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अयोध्या नगरी लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे हमारे सहयोगी ने भी बयां किया कि अभी और वक्त थोड़ा सा लगेगा, तमाम दियों को प्रज्वलित कर दिया जाएगा। 21 का टारगेट था, लेकिन 21 जगह की जगह पर 24 लाख दिए प्रज्वलित करने के लिए 25,000 वॉलंटियर्स भी कम पड़ गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें इतनी भव्य, इतनी दिव्य तस्वीरें सिर्फ आपको यहीं से, यानी राम की नगरी से ही दिखाई देंगी। हर की पैड़ी पर आपको ऐसा नजारा, भव्य नजारा दिखाई देगा। सरयू के घाट पर आपको ये जगमग दियों की रोशनी आपके जीवन में सकारात्मकता भरते हुए, एक ऊर्जा प्रदान करते हुए सिर्फ यही संदेश देती है कि अपने जीवन में तमाम बाधाओं को दूर करके आप लगातार आगे बढ़ सकते हैं, आप चुनौतियों से पार पा सकते हैं, आप संकटों का निवारण कर सकते हैं। अगर आपकी सोच, अगर आपके विचार अच्छे हैं, अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, तो आप नेगेटिविटी को बड़ी ही आसानी से दूर कर सकते हैं। बाधा आती है मन में, शंका आती है मन में, और वो शंका होती है नेगेटिविटी की, नकारात्मकता की, उसको ही दूर करने कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो पॉजिटिविटी प्राप्त होती है वो इन तस्वीरों के माध्यम से हम महसूस कर सकते हैं। आज ये घाट साक्षी बना है हम सबके साथ साथ, क्योंकि भगवान राम जब 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या नगरी लौटे तो उनका आगमन हुआ और उनका स्वागत इसी प्रकार से भव्य तरीके से किया गया। और यहाँ पर और चलिए वहां पर लेजर शो का कार्यक्रम भी शुरू हो गया है, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी का सुमेल भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। रामायण को चरितार्थ करती ये तस्वीरें आपको दिखाई देंगी, तमाम प्रसंगों का आज यहाँ पर दिखाया जाएगा। दर्शकगण वहां पर पहुंचे हैं, और ये स्क्रीन्स के माध्यम से रामायण को लोगों के सामने दर्शाते हुए देखिए, एक तरफ दीपोत्सव का कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, राम की पैड़ी पर एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। लाखों दियों से 24 लाख दिए कम नहीं होते, और इस बार दिवाली है अयोध्या वाली। वो कहते भी है ना कि दिवाली होती है तो अयोध्या वाली होती है, उसके अलावा कोई भी दिवाली नहीं। लेकिन आप इन्हीं तस्वीरों के माध्यम से, गुड न्यूज़ टुडे की तस्वीरों के माध्यम से इस पल को, इस क्षण को, इस लम्हे को महसूस कर सकते हैं। और वहां पर आप देखिए भगवान राम के आप दर्शन कर सकते हैं, और रामायण के तमाम प्रसंगों का चित्रण किया गया। सुबह से झांकियां निकाली गई, तमाम रास्तों पर भगवान राम जब प्रतीकात्मक रूप पर वहां पर प्रकट हुए तो उन पर पुष्प वर्षा की गई। और ये रामायण के कुछ प्रसंगों को इस वक्त दर्शाते हुए स्क्रीन पर आप सबके सामने। जेपी जी, इस प्रसंग को अगर आप दर्शकों के लिए बयां कर सके तो बहुत सुंदर होगा। देखिए, हर प्रसंग रामायण का अपने आप में एक मैं एक शिक्षा देता है, और जैसे अभी एक प्रसंग हम देख रहे हैं तो यहाँ सीता को ढूंढते हुए राम आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कि हर संदेश, रामायण की हर पंक्ति एक संदेश देती है। और मैं कहता हूँ अगर रामचरितमानस को आप पढ़ें और उसको देखें तो आपके मन की शंका ही दूर हो जाएगी किसी भी चीज़ के लिए। आप हर चीज़ के लिए इस तरह से हो जाएंगे कि हाँ, यहाँ तो पहले से ही मेरे प्रश्न का उत्तर यहाँ समाहित है। और राम ने हर चरित्र में, अपने हर स्टेप पर अगर आप देखें, जीवन के हर क्षेत्र को यहाँ पर अपने चरित्र में दिखाया है कि वह वैसे ही व्याकुल हो रहे हैं जैसे एक आम साधारण व्यक्ति होता है। अब यहाँ पर जैसे इस चरित्र में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर राम जी सीता जी के साथ बैठे हैं, यह भी आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ शबरी के बेर खा रहे हैं, तो ये एक साथ आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं कि वहाँ पर दीनहीन की सहायता, मनोकामना की पूर्ति के लिए किस तरह से राम आपके सम्मुख हैं, आपके साथ हैं। और अगर आप देखें यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात कि राम ने अपने हर क्षण में, अगर आप राम जी की अगर बात कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि आप हर क्षण में रामायण के हर पंक्ति में देखेंगे कि वहाँ पर उल्लेख किया गया। और मैं तो कहता हूँ कि अगर आप और ग्रंथों में भी उठाकर देखें कि राम की महिमा इतनी आगाध है, उसके नाम की महिमा इतनी आगाध है, आप गुरु ग्रंथ साहब में भी उठाकर देखें तो यहाँ नाम आ जाता है राम नाम के लिए कहा गया, राम नाम जपो जी ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपे हर, जैसे जैसे ध्रुव और प्रहलाद ने राम का नाम जपा वह तरीका यहाँ बताया गया। और राम की महिमा
मैं तो कहता हूँ इतनी प्रगाढ़ है कि जिसको समझने के लिए जीवन छोटा पड़ जाए। और मैं रोक रही हूँ जेपी जी, ये प्रसंग कितना सुंदर है, शबरी के जूठे बेर खाते हुए भगवान राम के आप दर्शन कर सकते हैं। ये दर्शाता है और ये दिखाता है कि राम, भगवान राम हम सबके अंदर है। भगवान राम जैसे हम कहते हैं जेपी जी, की कण कण में है। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, सरयू घाट जगमगाता हुआ आप देख सकते हैं, बीच की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, राम मंदिर परिसर में भी दीपोत्सव की तस्वीरें, क्योंकि देखिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो कि जनवरी 2024 में होना है, तो राम मंदिर परिसर को भी सजाने का पूरा कार्यक्रम आज किया गया है। दियों के रोशनी से जगमगाता अयोध्या पूरा आपको दिखाई देगा। सरयू घाट पर लेजर शो चलाया जा रहा है, रामायण के तमाम प्रसंगों को प्रदर्शित किया जा रहा है, और सिर्फ एक तीन तस्वीरें, लेकिन भाव सिर्फ राम भक्ति का। इस भाव में हम भी लीन हैं और आप भी लीन हो जाइए। और वापस मैं उसी पर जेपी जी लौटती हूं कि भगवान राम तो कण कण में है, अगर वो शबरी के जूठे बेरों को ग्रहण कर सकते हैं, तो हम अगर भगवान राम से हाथ जोड़कर कुछ कहते हैं तो वो भी वो जरूर सुनेंगे। बिल्कुल, आपके हृदय में वास करते हैं। कई बार मैं लोगों से कहता हूँ, कई ऐसा लगता है कि राम बिल्कुल निकट बैठे हैं, कान लगा के कि तू बोल तो सही, क्या चाहता है, ले मैं तेरे लिए कर देता हूँ। हमारी भक्ति हमारी शक्ति बनती है, और भक्ति तभी प्रगाढ़ होती है, तभी उत्तम होती है, जब आप तन्मय से उसमें तन्मयता से खो जाएं। जैसे आज अगर आप ये दीप माला का उत्सव देख रहे हैं, और इसमें हर व्यक्ति इसमें सराबोर है, इसमें खोया हुआ है, और वही ये भक्ति होती है। जब आप अपने आप को भूल जाएं, अपने आप को वहाँ निछावर कर दें, वही भक्ति होती है। भक्ति वह नहीं होती जिसमें मैं रह जाए, जहाँ मैंने ये किया, मैं इतने बार माला करता हूँ, वहाँ गलती हो जाएगी। और मैं एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर ज्योतिष के माध्यम से भी देखूं, मेरे मन में चल रहा था ये भाव आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ, अगर आज की तारीख देखें आप 11 नवंबर 2023 इसका सम क्या बनता है, दो अंक बनता है। इधर आप देखें यहाँ पर 24 लाख दिए जलाए जा रहे हैं, अंक का अगर आप निकालें तो 6 अंक बनता है, एक तरफ शुक्र एक तरफ चंद्रमा। अब वैसे भी अगर आज की स्थिति देख लें, शुक्र चंद्र की युति हुई हुई है, यानी कि सुंदरता और प्रगाढ़ता बढ़ती जा रही है, प्रीति योग चल रहा है इस समय, यानी कि प्रेम प्रगाढ़ होता जा रहा है, भक्ति प्रगाढ़ होती जा रही है। यहाँ ये संदेश है कि जनमानस में राम भक्ति अब बढ़ती जाएगी, राम के प्रति श्रद्धा निष्ठा विश्वास बढ़ता चला जाएगा। शायद कहीं पिछले दिनों हम कुछ भूल गए थे, जो वापस तारे जुड़ रही हैं, और वहाँ मैं कहता हूँ अब हम वहाँ पहुँच रहे हैं कि जहाँ हमें पहुँचना है। और मैं समझता हूँ इस दृश्य को देखते हुए कि जैसे मैंने कहा वैकुंठ को जाता हुआ रास्ता, और ये रास्ता अब हमारे जीवन में भी खुल जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ हर व्यक्ति अब इस मार्ग से उस प्रभु तक पहुँच जाएगा।